टॉपिक्स के बारे में कोई नहीं बताएगा, इसलिए इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी का डोज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेरा, फिर से हाजिर हूँ आपकी स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके। दोस्तों, हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो बटॉक एरिया है वो टोन्ड रहे, फर्म्ड रहे, ताकि कोई भी ड्रेस हम पे अच्छी लगे और हम में एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बटॉक एरिया फ्लैट किसी का भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ 7 डेज ऑर्गेनिक की हिपअप क्रीम, जो आपके बटॉक एरिया को फर्म करेगा, टोन्ड करेगा। उसके अलावा ये वहाँ की स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, पिंपल सेकने के जो दाग धब्बे होंगे उनको भी ये दूर करेगा। इस क्रीम को कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसमें कोई भी सिलिकॉन, पैराफिन इस तरीके के केमिकल्स नहीं है। ये आपकी स्किन पे कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। हम ज़्यादातर अपने फेस का ध्यान तो दे लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती। लेकिन हम सभी चाहते हैं अच्छा दिखना, ताकि कोई भी ड्रेस हम पे अच्छी लगे, एक अलग से कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हो सके। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें यूज क्या करना है। ये बहुत ही इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं आपको आज ये सजेस्ट करने वाली हूँ। ये क्रीम बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। ये इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, सिलिकॉन, पैराफिन नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। 7 डेज ब्रांड्स अपने सारे प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल यूज नहीं करता है। इस क्रीम को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको क्रीमी टेक्सचर में ये रिसीव होगा। ये बहुत ही लाइट वेट है, ये एक मॉइस्चराइजर की तरह बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी है और इजिली ये आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊं तो इसका देख लीजिए कितना लाइट वेट फॉर्मुलेशन है और इजीली आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है। आपको इसको करना क्या है, आपको रात को सोते टाइम इसको अप्लाई करना है। उसके बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको सुबह इसको अप्लाई करना है। कम से कम 24 घंटे में 2 बार आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है। रेगुलर इसके इस्तेमाल से आप फर्क खुद देखेंगे, खुद आपको फर्क होगा। वहां की स्किन आपकी सॉफ्ट होने लगेगी, जो भी आपके एक्ने पिंपल्स के निशान होंगे वो भी गायब होने लगेंगे। आपकी स्किन जो डल हो गई होगी वहां की, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके साथ ही साथ आपका बटक एरिया फर्म और टोन हो जाएगा। इसमें बात करें अगर हम इंग्रेडिएंट की, तो क्लियरली इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट मेंशन होते हैं इस प्रोडक्ट में। इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, इसके एक एक इंग्रेडिएंट क्लियरली इनके प्रोडक्ट्स पे मेंशन होते हैं। इसमें है टी ट्री की गुडनेस, जो अब भी आपके पिंपल, एक्ने के निशान वगैरह हो रहे होंगे उनको वो दूर भगाएगी। उसके अलावा इसमें है एलोवेरा की गुडनेस। एलोवेरा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी डल स्किन को भी रिपेयर करता है। उसके अलावा इसमें है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्मूथ बनाता है आपकी स्किन को। उसके अलावा आपकी स्किन को फर्म करने में भी बहुत काम आता है। इसी तरीके से इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है सबके अलग अलग काम है और ये सब एक साथ मिलके आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। अगर आप भी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं।